चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल के शुरू होते ही गर्मी ने भी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगातार बढ़ रहे तापमान ने सभी को हैरान कर दिया है। लोग कड़ी धूप से बचने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर है। तापमान बढ़ने के चलते हीट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। कानपुर के हेलेट अस्पताल की न्यूरोलॉजी की ओपीडी में रोजाना गर्मी से ग्रसित सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जहां मौसम वैज्ञानिक तापमान चढ़ने के साथ ही अधिक गर्मी पड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर भी लोगों को इस मौसम में पानी का अधिक प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में आ रहे मरीजों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। बुखार और गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं। नहीं, बढ़ोतरी तो बहुत ही ज्यादा है। करीब 300 मरीज तो आज छुट्टी वाले दिन ही करीब आ गए। ज्यादातर मरीज बुखार और डिहाइड्रेशन करके आ रहे हैं। ना, सावधानियाँ यह है कि मरीज जब घर से निकले तो अपने कान और मुंह को सब ढक के निकले, पूरे स्लीव्स के कपड़े पहन के निकले और पानी। हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीजों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले तो शरीर में पानी की कमी से दिमाग की नसों में खून का थक्का जम जाता है। लकवे की शिकायत, चलने और बोलने में कठिनाई भी होती है। साथ ही गर्मी की वजह से उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, अनिद्रा, तनाव, माइग्रेन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे घरों से निकलने से पहले अपने आप को ढके और पानी साथ लेकर चले। बहुत गर्मी पड़ रही है मैम, आजकल एकदम पानी वगैरह लेके चलना पड़ता है धूप में और हालत बेकार है, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए लोगों को कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर्स ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। अप्रैल के शुरू होते ही गर्मी ने भी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोग इस मौसम में पानी का प्रयोग अधिक करें, जिसके कारण हीट स्ट्रोक की बीमारी कम हो। कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया।